Get a little bit of gasoline. Welcome to another grind. दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज है क्योंकि काफी कुछ इंक्लूड है बॉक्स पैकिंग में। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो जिप खुलता है इसमें एक फोम की ये मिलता है जिसको क्या बोलते हैं जो भी बोलते हो ठीक। तो इसमें क्या होता है अपन के ढेर सारे टाइप के एसेसरीज होते हैं अलग अलग टाइप के। अब जैसे ही होता है सबसे पहले हमारा आता है क्विक रिलीज प्लेट, उसके बाद हमारे आता है बैटरी का हैंडल प्लस बैटरी माउंट। बेसिकली ये पूरी बैटरी है, इसमें बैटरी चार्ज है पूरी ठीक। तो ये बैटरी जब आप लोगे तब ये चार्ज में नहीं मिलेगी तो फुल चार्ज करके रखना। उसके बाद अपने को मिलेगा एक ये हो गया फोन क्या कहते हैं स्टैंड। इसको आप दो टाइप से यूज कर सकते हो। अगर आप DSLR कैमरा लगा रहे हो उस पर तो DSLR कैमरे की आप वाया ब्लूटूथ या वाया वाईफाई आप स्क्रीन उसकी मॉनिटर कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट आप मोबाइल से शूट कर रहे हो तो ये आपका गिम्बल में वो भी लग जाएगा। बेसिकली अगर मैं बताऊं ये गिम्बल अभी का सबसे लेटेस्ट गिम्बल है, सबसे कॉम्पैक्ट, सबसे लाइट वेटेड, बिकॉज इसमें यूज हुआ है क्या कहते हैं कार्बन फाइबर में इसकी बॉडी है, तो इस वजह से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी है और वेट जो है काफी लाइट है। एक हो गया इसमें मोनोपॉड। मोनोपॉड भाई इतना मतलब लाइक सेक्सी टाइप है ना, उसको एक फील पकड़ के ना एक अलग ही ऑर्गेजम तुम्हें मिलने वाला है, तो ये बहुत सही चीज है। तो ये हो गया एक मोनोपॉड इसमें, प्लस इसमें हो गई एक क्या कहते हैं साइड प्लेट। बेसिकली इसमें तुम अलग टाइप के एसेसरीज माउंट कर सकते हो, और इसका एक और कन्वर्ट करके बेसिकली एक जो डाउन शॉट हम गिम्बल में लेते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से क्रेन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए टेम्परेरी क्रेन तुम बना सकते हो इसमें, तुम अपना क्या कहते हैं ये ट्राइपॉड को माउंट करके एज अ गिम्बल इस टाइप से भी यूज कर सकते हो। तो वो दिखाऊंगा अभी मैं डिटेल में, तुम टेंशन ना लो। उसके बाद इसमें कुछ एसेसरीज और आती है छोटी मोटी। एक बहुत सही चीज मेरे को ये लगी थी इसमें, बेसिकली ये फोकस मोटर होता है। अब होता क्या है जनरली हर गिम्बल में तुम DJI के नॉर्मल गिम्बल लोगे तो उसमें कमी क्या मिलेगी तुम्हें कि तुम भाई गिम्बल में जब कैमरा लगाओगे तो फोकस तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं मैनुअल फोकस इसमें क्या होता है थ्रेड रिंग्स होती है जो तुम्हारी लेंस के आगे वाले क्या कहते हैं फोकस या जूम मोटर में अटैच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये गिम्बल की सेटिंग से तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो बहुत अच्छी चीज है। और तमाम अटैचमेंट्स है जो भाई मेरे को खुद भी नहीं पता इतने अटैचमेंट्स क्या काम आएंगे, लेकिन हाँ कॉम्बो पैक है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे यूज आएगा ही आएगा। तो नट बोल्ट्स हो गए, LME हो गया, कुछ ये रॉड्स वगैरह हो गए, एक्सटेंशन रॉड्स वगैरह चीजें हैं। उसके बाद ऊपर एक और जिप है, उसपे ये होगी तुम्हारी टाई। बेसिकली अगर तुम्हारा लेंस काफी लंबा है तो लेंस को रैप करके तुम इसको यूज करोगे ताकि तुम्हारी स्टेबिलिटी जो थोड़ी सी और बेटर बने। उसके बाद थोड़ी से और एक्सटेंडेड माउंट्स हो गए, अलग अलग एक्स्ट्रा माउंट्स भी हो गए। हो सकता है किसी का साइज 1 inch हो, किसी का आधा हो, मतलब थ्रेडिंग जो होती है बेसिकली जहाँ पे माउंट होते हो गया। तो कुछ एडिशनल ये भी रॉड्स है। उसके बाद एक ये और ट्रांसमिशन मिला, ये बेसिकली इमेज ट्रांसमिशन होता है। काम क्या आता है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन लगाओगे तो काम जरूर आएगा। अब क्या है ना जब थोड़े पैसे ज्यादा हो गए थे ना तो हमने सोचा कॉम्बो पैक ले लेते, तो कॉम्बो पैक में ये सब चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसके वजह से क्या होता है ना तुम्हारे पास सब सारे ऑप्शन है, तो अपने कॉम्बो पैक में ही हो गया। अब नेक्स्ट जिप अगर खोले तो इसमें आ जाती थोड़ी सी और एसेसरीज। पहले एसेसरीज दिखाता हूँ, मुद्दे की चीज तो आप देख ही लोगे बाद में। तो एसेसरीज में ढेर सारी क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे घर में क्या है सी टाइप केबल वेबल फोम को आ गई तो इस पूरा प्रो कॉम्बो पैक खोलेगा तो तुम्हें इतनी ढेर सारी सी केबल मिलेगी ना, तो तुम आधी तो केबल अपने खानदान वालों को बांट सकते हो। तो ढेर सारी टाइप की सी केबल हो गई, C2 HDMI, C2C, C2 Type A Type B, जितनी भी टाइप की सी केबल होती सब मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जिप पे थोड़ी सी और केबल थोड़ी कम पड़ेगी तो और सी केबल्स मिल जाएंगी, मतलब सी का ही जमाना चल रहा तो सी केबल ही खोलू, मतलब दर्जन भर तुम्हें केबल मिल जाएगी इस पे। उसके बाद कहते हैं एक नॉर्मल क्या कहते हैं USB-C केबल होगी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिसके लिए बेसिकली मैंने ये गिम्बल खरीदा वो है ये सिलिका जेल की पैकेज। इसको खा के तुम्हें मजा ही मजा आ जाएंगे।
अब मुद्दे की बात करें तो ये आ जाता है हमारा गिम्बल। बोले तो एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मामला है इसका। ये जो आप पूरी बॉडी देख रहे हो, ये जो रेड लाइनिंग आप देख रहे हो, ये पूरी क्या कहते हैं मेटल, वो सॉरी कार्बन फाइबर पे। अगर थोड़ा सा क्लोजअप आके तुम देखो तो तुम्हें टेक्सचर भी कार्बन फाइबर वाला इसमें दिखेगा। प्लस अच्छा एक चीज मेरे को पर्सनली इस गिम्बल में और अच्छी लगी। अब बाकी जो गिम्बल होते हैं, जब मैंने दूसरे गिम्बल यूज किए थे तो उसमें एक मेरे को एक चीज कमी क्या लगी थी, जब उसको लेते थे ना तो वो ऐसे ऐसे करके नाचते रहते थे, मतलब लटकते रहते थे। इसमें क्या होता है ना, इस गिम्बल में क्या है अपने का भाई, जब इतना लगा है पैसा तो इसमें लॉकिंग स्क्रूज दिए गए जिसमें तुम गिम्बल को रखो तो भैया आधे घंटे सेटिंग ना बैठानी पड़े, गिम्बल कैसे सही पोजीशन पे आएगा। तो ये आपका ऐसे करके ये अलग अलग जगह से लॉक हो जाएगा। फिलहाल ये है 3 एक्सिस गिम्बल। ये तो हो गई इसकी बेसिक एसेसरीज वगैरह। अब बात करते हैं इसकी असेंबली के लिए कि किस किस टाइप से इस गिम्बल को असेंबल करते हैं। तो थोड़ा सा क्लोजअप में आ जाओ, फिर इसकी असेंबली के बारे में बात करते हैं। अब बात आ जाती है असेंबली में, तो सबसे पहले अपन को क्या है, नीचे एक छोटा सा इसमें है रबड़ का, स्मेल बहुत सेक्सी है। तो एक आ जाता है रबड़ का क्या कहते हैं ये कवर। इसके बाद इसमें लगता है बैटरी। बैटरी के लिए क्या, ये 6 गोल्डन पॉइंट्स है, इस पे भी 6 गोल्डन पॉइंट्स है। ये 6 गोल्डन पॉइंट्स को मैच करके बैटरी को दबाना है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉकिंग स्विच है इस तरफ, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको लॉक की तरफ स्लाइड करके थोड़ा सा टाइट से लॉक कर देंगे ताकि हमारी बैटरी जो है लॉक हो जाए। तो जब बैटरी हमारी लॉक हो जाएगी तो ये गिम्बल का हैंडल आपका असेंबल्ड पूरा प्रॉपर्ली हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड चीज आप लगा सकते हो मोनोपॉड। मोनोपॉड नीचे ही आपका माउंट होगा तो उसको रोटेट करके आपका मोनोपॉड इसमें लग जाएगा। मोनोपॉड से क्या होगा, आपको गिम्बल को कहीं पर रखना है तो रख सकते हो इस टाइप से प्रॉपर्ली। और इससे क्या होगा अपना काम कि आप मोबाइल से या किसी भी चीज से इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर गिम्बल की मैं बात करूँ तो गिम्बल पे यहाँ पे एक अपना क्या कहते हैं एलसीडी डिस्प्ले है। ये एलसीडी डिस्प्ले के साथ साथ डिस्प्ले टच डिस्प्ले है पूरा कंपैटिबल, जिसपे आपका गिम्बल का सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया 360 रोटेटिंग स्विच वाला बटन हो गया, ये मोड का बटन हो गया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन हो गया, साइड में आपका हो गया इसका पावर का बटन। तो ये 4 बटन हो गया, बाकी पूरा टच वाला मामला तो हो गया। पहले तो मैं सारी एसेसरीज जो है ना उसको असेंबल कर देता हूँ, तो एक आपको ओवरऑल लुक पता चल जाएगा ये देखने में लगेगा कैसे। इसमें की रिंग वाला ऐसी ये रबड़ वाली खुशबूदार वाली रबड़ है, इसको निकालने के बाद इसमें हम साइड में 2 माउंट्स आप देख रहे हो, ये वाला और इस तरफ वाला। इसमें क्या आप कर सकते हो, पहले तो इसको मैं थोड़ा सा साइड रखूँ, थोड़ा सा जगह बना देते हैं तो सही रहेगा, आपको अच्छे से मैं बता पाऊंगा। तो इसमें साइड में माउंट्स हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तरफ तो ये लगा लिया ताकि अगर मेरे को कोई सेकेंडरी डिस्प्ले लगानी हो वो लगा दूँ, या फिर मैं आपको क्या कहते हैं जो दूसरा क्रेन वाला जो इसका तरीका था वो तरीका भी करके दिखाऊंगा। तो इसको क्या बस जस्ट हल्का सा रिलीज करना, तो हल्का सा ये रेज हो जाएगा, ऊपर से इसको स्लाइड नहीं या नीचे से स्लाइड नहीं करना। भाई देखो मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो अपन भी पहली बार इसको असेंबल कर रहे हैं आप लोग के सामने एकदम लाइव लाइव, तो थोड़ा बहुत उन्नीस भी इसको होगा तो चलेगा ना। ठीक, तो ये हमने असेंबल कर दिया ऐसी सेम टाइप का माउंट इसमें, तो हल्का सा अपने को इसको क्या ढीला करना है। ढीला करने के बाद इसको ऐसे ही नीचे से स्लाइड कर देंगे, स्लाइड करने के बाद इसको वापस यहाँ से अपन ने टाइट कर देना है। जब टाइट कर देंगे तो ओवरऑल लुक ये आएगा। अब यहाँ से तुम भैया इसको ढीला करके रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो टाइट और लूज। तो इससे क्या आप मोबाइल लगा सकते हो, मोबाइल यहाँ पे लगाने से आपका कैमरे की स्क्रीन हो जाएगी। अब अगर इसी माउंट को तुम्हें लगाना है गिम्बल में तो भाई यहाँ से ये खुल जाएगा, ये आती है इसमें क्विक रिलीज प्लेट। तो पहले क्विक रिलीज प्लेट लगाने से पहले गिम्बल को थोड़ा सा अपने को क्या अनलॉक कर देना है, जो हर क्लिप से अनलॉक होता है। तो हर जगह से मैंने अनलॉक कर दिया। ये ना जो ऊपर का टॉप सरफेस है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो टॉप सरफेस में अपने को लगाना होगा क्विक रिलीज प्लेट। क्विक रिलीज प्लेट में भी 2 मामला है। पहला मामला क्विक रिलीज प्लेट को ही रिलीज करने का तरीका, जो यहाँ पे एक अनलॉक का बटन होता है जिससे आपका ये कैमरा माउंट खुल जाता है। तो ये तो अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ, उसको लॉक करता हूँ और क्विक रिलीज प्लेट में लगा देता हूँ। क्विक रिलीज प्लेट का भी लगाने का थोड़ा सा टिकड़ा में से यहाँ पे एक आपको गरारी टाइप दिख रही होगी, जिससे क्या ये एडजस्ट होता है लेफ्ट राइट वाला जो शॉर्ट्स होते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस एक छोटी सी आप व्हील यहाँ पे देख रहे हो, उस व्हील के थ्रू तो क्विक रिलीज प्लेट जल्दी से लगा लेते हो। यहाँ पे गरारी है तो इसके थ्रू ये क्विक रिलीज प्लेट लगती है। पहले इस वाली लेवर को अनलॉक पोजीशन में कर देना, क्विक रिलीज प्लेट को ऐसे रखना और इसको स्लाइड कर देना, तो ये घूम के जो भी क्विक रिलीज प्लेट अपनी, और एक यहाँ पे देखो छोटा सा रिबिट है, इस रिबिट को दबाना होगा ताकि ये इसके बीच में फंस जाए। देखो थोड़ा सा इसका मामला हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे लगेगा अब ये इसमें देखो मैं खुद अटक गया, तो 2 सेकंड मेरे को तो मैं लगा के वापस आता।
तो एक घंटे बाद जब मैंने पूरा फिगर आउट कर लिया तो मेरे को पता चला यार इसको यहाँ से नहीं डालना है, इधर से डालना है। तो इधर से जब अपने निक को डालना है तो जो क्लिप होगी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, मतलब वो जो पिन था वो शिफ्ट हो जाएगी और एक क्विक रिलीज प्ले ऐसे बैठ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे रोटेटिंग डायल है, तो रोटेटिंग डायल से आप घुमाओगे तो ये आपका क्या कहते हैं लेफ्ट या राइट रोटेट करेगी साइड से। अब ये हो गया ट्रांसमिशन अपना होता है, जो इमेज ट्रांसमिशन बेसिकली होता है। ये लगाने का इसका ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हो तो आपका गिम्बल की ये बैक तरफ है, तो बैक तरफ देखो ऐसे करके ये आया और ये नीचे स्लाइड हो गया। अब थोड़ा सा सेक्सी अगर दिखाना चाहो तो एंटीना ऐसे करके ओपन कर देना, लेकिन मेरे ख्याल से एंटीना मत ओपन करना क्योंकि गिम्बल जब भाई चलेगा ना तो मेरे ख्याल से साइड दाएं बाएं लेग से कहीं लड़े वड़ेगा, तो ऐसे लड़ेगा नहीं फिलहाल, अब मेरे को पता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो भैया इसको फिलहाल नीचे कर लेते हैं। अब यार एक काम करता हूँ, एक मैं कैमरा ले आता हूँ, छोटा सा अपना SLR कैमरा ले आता हूँ, उसको इस पर माउंट करता हूँ और थोड़े से शॉट्स आपको देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि इसका लुक कैसा था। अच्छा दूसरी चीज़ एक और मैं बता देता हूँ, जो मैं बता रहा था क्रेन वाले तरीके से इसको कैसे यूज़ करता है। तो लेग्स को अपने को डाउन कर लेना है, लेग्स को ऐसे खोल लेना है, जब लेग्स खुल गया तो ये जो साइड माउंट अपने लगाया था इस पर हमने लेग्स को कस देना। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली इसकी बहुत बढ़िया हो, तो डाउन शॉट्स के लिए आप ऐसे करके ट्रांसमिशन के लिए चलो कोई बात नहीं, तो डाउन शॉट्स के लिए हम इसको ऐसे करके लगा सकते हैं। ट्रांसमिशन का भी लॉकिंग सिस्टम था जो मैंने लॉक नहीं किया था, अब ये गिम्बल को मैं स्टैंड नहीं कर सकता तो उसको वापस निकाल के अपन को लगाना है। मेरे को पता है आधे लोग कमेंट में लिखेंगे ये भाई बंदा बहुत बड़ा वाला नूब है, लेकिन क्या करूं भाई, देखो फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो इस वजह से थोड़ा सा होता है, पहली बार ना कोई भी प्रोफेशनल ही बन जाता, तो इसको ऐसे करके ऐसे कर तो देंगे। ओके मैंने नीचे बैठाया नहीं था, अब ये देखो लॉक हो गया, अब ये दोबारा गिरेगा नहीं। तो ये हो गया, अब जल्दी से कैमरा लाते हैं, इसको स्टेबल करते हैं, उसको ऑन करके दिखाते हैं। ऑन तो यहाँ पावर बटन से होगा, पावर बटन को 2 सेकंड के लिए दबाओगे तो DJI का ये लोगो आएगा और ऑन हो जाएगा। तो ये देखो अरे जादू हो गया, स्टेबल करना चालू कर दिया, अरे बाबा। तो 1 सेकंड में कैमरा लगा देता हूँ, अभी तो फिलहाल इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद कैमरा लगाने के बाद फिर आगे का दिखाता हूँ कि ये कैसे स्टेबल करता है और प्रैक्टिकली यूज कैसे। तो मिलते हैं कैमरा लगाने के बाद। तो अपना जो गिम्बल है वो पूरा हो चुका है सेटअप, थोड़ा सा बिगनर के लिए थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसको सेटअप करना। देखो मैं बताता जाता हूँ नीचे से ऊपर क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई है, कैसे कैसे लगाई है, तो आपको एक डिस्क्राइब भी हो जाएगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो भाई छोटा मोनोट्राइपॉड जो ट्राइपॉड जो था वो अपने ने लगा दिया, बैटरी पैक पूरा लगा दिया अपने ने, गिम्बल सेट कर दिया। गिम्बल को बैलेंस करना ध्यान रखना, बैलेंस में क्या होता है अगर तुम कैमरा लगाओ और कहीं पर भी गिम्बल को सेट कर दो वहाँ पर होल्ड रहे, तो उसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो देख लेना क्योंकि मेरे को खुद भी अभी सही से नहीं आया। तो ये हो गया, साइड में मैंने लगा दिया अपना मोबाइल स्टैंड, इससे क्या होगा मोबाइल से आप पूरा कैमरे का स्क्रीन देख सकते हो गिम्बल से, क्योंकि भाई जब आप गिम्बल मूव करोगे तो कैमरे की स्क्रीन बेसिकली आपको दिखाई नहीं पड़ेगी कि वो क्या उसमें चल रहा है। सारे कंट्रोल्स आप गिम्बल से यूज कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन सब कुछ कर सकते हो, 360 डिग्री मोशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे छोटी सी जो अपनी स्क्रीन है इस पे आपको सब कुछ दिखेगा। रही बात कनेक्शन की और वीडियो हमारी कैसे मतलब ये इमिट कर रहा है गिम्बल हमारे मोबाइल में, उसका जो राज है वो छुपा है हमारे ये वीडियो ट्रांसमीटर पे। ये जो डिवाइस है ये जो नीचे आप देख रहे हो ये सेपरेट डिवाइस होता है जो सारा कंट्रोल आपका कैमरे का आपके मोबाइल में दे देता है, व्यू स्क्रीन हो, ISO लेवल्स हो या कोई भी कैमरे की सेटिंग हो कैसा भी। तो उसके लिए फिलहाल कैमरा मैंने माउंट किया है इस पे कैनन 6D Mark II, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैमरा सबके लिए सपोर्टेबल है। अब मैं बता देता हूँ कनेक्शन क्या है। देखो यहाँ पे आप एक ये केबल देख रहे हो, ये HDMI केबल हमारा, ये HDMI केबल जो है हमारा वो हमारे कैमरे के थ्रू गया है, वो आती है साथ में। फिर क्या है यहाँ पे मैंने एक लगाया है जूम फोकस मोटर, ये आप मोटर जो है ये आप जूमिंग के लिए भी लगा सकते हो या फोकस के लिए भी लगा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो आप फ्रंट व्यू देख रहे हो इसको हमने जब करेंगे तो देखो कैमरे का हमारा जूम हो रहा है क्योंकि मैंने जूम वाले सेक्शन पे लगाया। अगर किसी लेंस पे सिंगल है तो वो सिंगल में खाली फोकस के लिए काम करेगा, ठीक ना। तो ये जूम के लिए मैंने यूज कर लिया उसको, ठीक। उसके बाद ये जो इसका कनेक्शन है ये सी टाइप पोर्ट से जा रहा है पीछे से हमारा घूमते हुए गिम्बल को, अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ इस तरफ तो ये जा रहा है हमारा बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट पे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इसकी पावर सप्लाई, इसकी पावर सप्लाई हमारी सी टू सी डाउनवर्ड्स में जा रहा है और फिर एक ऊपर वाली पावर सप्लाई जा रही है जो हमारा सारे कंट्रोल जो हमारे कैमरे के वो हमें एक्सेस करेगा, वो है सी टाइप 2 माइक्रो USB टाइप बी जो इधर की तरफ आपको दिख रही है। तो इस टाइप से सारे हमने तार लगा दिया। अब अपने को क्या करना है, ये जो हमारा फोकस मोटर होता है फोकस मोटर पे एक सेपरेट माउंट दिया होता है, एक स्टिक दिया होता है और ये मोटर होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो अगर मैं इसको साइड करूँ तो देखो ये वाला जो माउंट है ये अपना माउंट लगा हुआ है एक एडिशनल एलिंकी स्क्रू के साथ, उसके साथ एक लगा है ये रॉड के साथ लगा हमारा फोकस मोटर। फोकस मोटर सेट कर दोगे वो ऑटोमेटिक इस व्हील के साथ चलने लगेगा। फिलहाल मैं फोकस मोटर को जूम के साथ सेट किया, तो इस टाइप से हमारा पूरा गिम्बल सेट हो जाएगा। अब रही बात हमें कैसे कनेक्ट करना है इसको मोबाइल के थ्रू, तो वो भी थोड़ा सा
सिंपल सा है मामला। यहाँ पे हमारा क्या है मामला, इस तरफ देखो यहाँ पे लिखा होता है, इसके जो ट्रांसमीटर है इस पे लिखा होगा इसका वाईफाई नेम और उसका पासवर्ड। तो उस पासवर्ड से आप अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू इस ट्रांसमीटर को उसके थ्रू कनेक्ट कर लेना भाई। जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे और अपना कैमरा ऑन कर दोगे तो आपके कैमरे की फुल स्क्रीन आपके मोबाइल में आ जाएगी। फिर अपना मोबाइल को कर देना इस जगह माउंट बढ़िया से, ठीक। तो आप अपना गिम्बल को हाथ में पकड़ के नॉर्मली आप यूज करते हो किसी भी तरीके से, जैसे कि अभी अपन के हिसाब से हम लोग इसको उल्टा के कैमरा में कर दिए, क्योंकि गिम्बल हमारा सेट नहीं है। तो सेट करने के आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गिम्बल जैसे इस समय अनडिसेंट पोजीशन में, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कैसे सेट करना। देखो यहाँ पे गन वाली बटन है, इस गन वाले बटन को डबल बार प्रेस कर देना। डबल बार आपने प्रेस किया तो गिम्बल अपने आप अपनी ऑटोमेटिक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। जूम आउट ना कर देता हूँ तो ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। अब मैं कुछ सैंपल शॉट्स इस गिम्बल से करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से एक्चुअल में जब आप ऑन फील्ड इसको यूज़ करते हो तो कैसा ही आता है। तो आते उस स्टेप पे तो कुछ मैं सैंपल रिकॉर्डिंग करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है जब आप इसको यूज़ करते हो। Been looking around for some time. I don't really know why I try, but I don't wanna know. I'm sorry.